कांग्रेस महासचिव और सिरसा से पार्टी सांसद कुमारी शैलजा ने इशारों ही इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनावों में टिकट बंटवारा बेहतर तरीके से हुआ होता तो देश की सबसे पुरानी पार्टी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती थी। बीते दिन उन्होंने करनाल के जाट भवन और बाद में अम्बाला के पैलेस हवेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान को विश्वसनीय फीडबैक दिया गया होता और टिकट बांटने में कोई गड़बड़ी नहीं होती तो पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती थी। उन्होंने करनाल सीट का उदाहरण दिया जहां हरियाणा कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ा। कुमारी शैलजा ने कहा कि किसी स्तर पर हाईकमान को गुमराह किया गया था और समय पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई। आप भी सुनिए कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा। जिस प्रकार से 370 और 400 का दावा करते थे उनको देश ने सीमित करके रख दिया। अकेली भाजपा 250 तक नहीं। एग्जिट पोल पे तो पोल खुल गई, वो तो आपने देख लिया। अब मीडिया में जिस प्रकार से मीडिया को कंट्रोल किया जाता है और मीडिया को तो तोता बना के रख लिया, जो पीछे बोलेंगे वो मीडिया बोले, वो आपने देख लिया। और वो दो दिन में पर्दाफाश हो गया उस बात का जब असली नतीजे आए, तो क्या क्या निकला ये बात जरूर है। देखो जिस तरह का लोगों का मूड था, अगर टिकट वितरण ऊपर ठीक से फीडबैक दिया होता, मैं और मेरा की राजनीति ना होती, मेरिट पे हम टिकटों का आकलन करते तो जरूर मुझे विश्वास है कि हम 10 की 10 सीटें जीत सकते। लेकिन अब जो हुआ जैसे हुआ वो सबको पता है, सबके सामने है। ज्यादा डिटेल में मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद देख सकते हो कहां पे क्या कमजोरी रही। मुख्यमंत्री के सामने, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने हम ढंग से टाइम से नहीं फैसले ले पाए, इसको क्या क्या बोले। हमारे प्रभारी ने भी टाइम से सही सलाह दी होती ऊपर तो शायद नतीजे हम 10 के 10 दिखाते। अब इनकी देख लो बात, ये तो यहाँ से MLA थे ना, यहाँ से इन्होंने काम किया। हिसार से क्यों इनकी आवाज उठ रही थी? मेरी आवाज उठ रही थी सिरसा से, इनकी आवाज हिसार से उठ रही थी। लाखों से जीतते ही है भिवानी से श्रुति, हम तो यात्रा, हमने यात्रा की, राहुल जी का संदेश हम लेकर गए, यहाँ भी पूरे हरियाणा में हम यात्रा में गए, हमने मूड देखा। और मुझे लगता है कि मूड बदलने में हमारा जैसे तिनके का एक बूंद का योगदान होता है, हमारा भी एक बूंद का योगदान था उसमें हमारी यात्रा। भिवानी में भी हमने देखा अगर श्रुति को टिकट मिलती तो वो लाखों से जीतते। मेरी थी बिल्कुल, मैं तो शुक्र गुजार हूँ। जनरल सीट पे लोगों ने मुझे भी कहा कि भाई मैं भी लड़ सकती हूँ, मैं भी लड़ सकती हूँ बिल्कुल। लेकिन चंद्रमोहन जी की एक पॉपुलर डिमांड थी वहां पे, ये भी ऐसे उठी नीचे से, ये तो कहीं एप्लीकेंट भी नहीं थे, लाखों से जीत सकते थे। लेकिन उसके बावजूद हमने हिसार की सीट भी जितवाई। देखो कोशिश होगी हमारी तो कि हम सही फीडबैक देंगे और जो कमियां इस बार रही वो कमियां ना आए, ये हमारा प्रयास होगा वो कमियां ना आए। और ये मैं और मेरा, मैं बार बार कहती हूँ और आज से नहीं कह रही, मैं पहले से कहती हूँ, ये मैं और मेरा की राजनीति खराब करती है। ये मैं और मेरा की राजनीति चलेगी तो फिर हरियाणा के लोगों की जो चाहते हैं उनके साथ भी तो धोखा होगा कि सरकार बने। और अगर हम कमजोर करें ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, ना पार्टी के साथ ना लोगों के साथ। उनका कहना है कि पूरी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे और पूर्व विधायक चंद्रमोहन को टिकट बंटवारे में नजरअंदाज किया गया, जबकि वो हिसार सीट के लिए अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते थे। उन्होंने कहा कि लोग सिरसा से मेरी और हिसार से उनकी उम्मीदवारी की मांग कर रहे थे, हालांकि वो उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता तो वो लाखों वोट से जीत सकते थे। हमने अपने नेता राहुल गांधी का संदेश फैलाने की और लोगों के मूड को समझने के लिए पूरे राज्य में जन संदेश यात्रा का नेतृत्व किया। भिवानी को देखें, अगर श्रुति चौधरी उम्मीदवार होती तो हम आसानी से जीत सकते थे। आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन और एकजुटता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नेताओं को सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाना
बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय पार्टी कैडर के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम जमीन से वास्तविक फीडबैक देंगे। मैं और मेरा की राजनीति खत्म होनी चाहिए। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में आप बाहर से उम्मीदवार लाते हैं, क्या हमारे पास पर्याप्त नहीं है? वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।